हाय वेलकम बैक आज के इस पार्ट में हम 121 से लेके 135 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसमें क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली बीम के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 121 में पूछा है कि लग एंगल होता है वो क्या होता है तो लग एंगल एक एंगल होता है छोटा सा जिसको हम यूज करते हैं कि जो एंगल की आउटस्टैंडिंग लेग है उसको गजट प्लेट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक डायग्राम से हम समझते हैं अच्छे से तो ये एक ंगल है ये वाला जो एंगल था इसको हमें कनेक्ट करना था इस गजट प्लेट, प्लेट से तो हमने एक लेग को कनेक्ट किया दूसरी लेग है वो आउटस्टैंडिंग है और हम लग एंगल की हेल्प से दूसरी वाली ये वाला जो है ये अलग एंगल है इसकी हेल्प से हमने दूसरी वाली जो आउटस्टैंडिंग लेग थी उसको भी गजट प्लेट के साथ में कनेक्ट कर दिया इससे जो आउटस्टैंडिंग लेग उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही थी स्ट्रेसेस कैरी करने में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और स्ट्रेसिस का जो तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा यूनिफॉर्मली होगा तो ये इसका प्लान व्यू है ये वाला ये ऐसे एक एंगल है इसको कनेक्ट करना है और ये वाला है ये लग एंगल है देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे गिवन है कि, कि किसके साथ यूज होता है किसके साथ यूज नहीं होता है तो सिंगल एंगल मेंबर के साथ हमने भी देखा कि ये यूज होता है डबल एंगल मेंबर के साथ हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि डबल एंगल मेंबर में कुछ ऐसा कनेक्शन होता है ऐसे कनेक्शन में अब एक तो ये आउटस्टैंडिंग लेग ऑलरेडी दूसरा वाला जो एंगल है उसकी आउटस्टैंडिंग लेग से कनेक्टेड है तो वैसे भी सपोर्ट मिल रहा है इसे और दूसरा ऐसे कि यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है कि हम लग एंगल की हेल्प से हम कनेक्ट कर पाए क्योंकि लग एंगल को कनेक्ट करने वाली जो सिचुएशन हमें वहां पर मिल रही थी कि एक लेग गजट प्लेट के साथ में आ जाए एक आउटस्टैंडिंग लेग के साथ में आ जाए तो वैसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं है तो डबल एंगल मेंबर के साथ में लग एंगल को नहीं यूज किया जाता चैनल मेंबर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे ये चैनल मेंबर है तो ये आउटस्टैंडिंग वाली लेग है इसको एग्जिट प्लेट में साथ अटैच करने के लिए एक एंगल यहां लगा दिया और दूसरा वाला एंगल है वो यहां लगा दिया तो सी भी सही है तो आंसर हो जाएगा डी नॉट यूज विथ डबल एंगल में तो ये सही स्टेटमेंट है तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन वन ट्वेंटी टू यहाँ पे पूछा है कि बीम कौन से टाइप का स्ट्रक्चर मेंबर है तो वो स्ट्रक्चरल बेमर जिसमें लोडिंग आ रही है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आ रही है उसको बोला जाता है बीम जैसे कि कोई ये एक स्ट्रक्चर है इसमें लोडिंग आ रही है वो इस तरीके से इसकी के परपेंडिकुलर आ रही है या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसवर्सली आ रही है इस टाइप की लोडिंग कंडीशन किसी स्ट्रक्चर पे है तो स्ट्रक्चर को हम बीम बोलते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन 123 इसमें पूछा है कि जो मेजर बीम होता है एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में उसको किस नाम से बोलते हैं तो मेजर बीम वो बीम है जो कि छोटी जो दूसरी स्मॉल बीम्स हैं वो उस पर लोड ट्रांसफर कर रही है तो मेजर बीम को हम गडर भी बोलते हैं मेन बीम भी बोलते हैं और फ्लोर बीम भी बोलते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द नेक्स्ट है क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन में पूछा है कि जो बीम आउटसाइड वॉल को सपोर्ट करती है फ्लोर लेवल पे उसको क्या बोलते हैं तो वो होती है स्पेंड्रल बीम एक डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ आएगा कि कौन सी होती है स्पेंड्रल बीम ये किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का टॉप है और यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की बीम है इसमें ये वाली जो बीम है जो आउटसाइड में है या ये वाली बीम जो आउटसाइड में है इनको बोला जाता है स्पेंड्रल बीम तो आंसर हो जाएगा वो स्पेंड्रल बीम हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड की वॉल के लिए पूछा है तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी नेक्स्ट है क्वेश्चन 125 क्वेश्चन 125 में पूछा है कि वो बीम जो कि एक स्टेयर के स्टेप्स को सपोर्ट करती है वो बीम कौन सी होती है तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंजर बीम जो कि कुछ ऐसी दिखती है ये स्टेप्स के स्टेप्स हैं तो ये स्टेप ये स्टेप इसको नीचे से ये जो बीम सपोर्ट कर रही है इस बीम को बोला जाता है स्ट्रिंजर बीम काफी बार दोनों साइड्स पे दो बीम लगा देते हैं या फिर एक साइड वॉल में अटैच कर दी जाती है दूसरी साइड एक बीम लगा दी जाती है या फिर जैसे यहाँ पे एक सिंगली सेंटर पे स्ट्रिंजर बीम दे दी गई है तो इस टाइप की बीम को बोला जाता है स्ट्रिंजर बीम दूसरे यहाँ पे ऑप्शन एक एस प्रेंडरल, एस प्रेंडरल बीम हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ट्रिमर का भी डायग्राम देख लेते हैं तो अगर हमें कोई ओपनिंग देनी है स्टेयर के ऊपर या फिर चिमनी के ऊपर वाली कोई ओपनिंग अगर प्रोवाइड करनी है जैसे ये एक ओपनिंग प्रोवाइड की है यहाँ पे तो इसके लिए दोनों साइड पे ये जो बीम लगाई है इसको बोला जाता है ट्रिमर बीम जो तो ओपनिंग है उसके बोथ साइड ये वाली बीम और ये वाली भी ट्रिमर बीम है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रिंजर बीम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि किसी फैक्ट्री बिल्डिंग में यूज होने वाली वो बीम हॉरिजॉन्टल बीम जो कि स्पैनिंग है वॉल कॉलम्स के बीच में और जो सपोर्ट कर रही है वॉल कवरिंग को इस टाइप के बीम को बोला जाता है ग्रिट और यहाँ पे स्ट्रिंजर और ट्रिमर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं Lintels जो होता है ये वो, विंडो या डोर की ओपनिंग के ऊपर जो बीम हम प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जो वॉल है ओपनिंग के ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए उसको बोला जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन जो होते हैं उनको हम मोस्टली बीम के लिए क्यों यूज करते हैं तो आई सेक्शन को बीम के लिए यूज करने का पर्पज ये है एक तो यहाँ पे ज्यादा एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से दूर लोकेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया तो एरिया जितना ज्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया उस स्ट्रक्चर का उतना ही ज्यादा होगा अगर हम रेक्टेंगुलर बीम से कंपेयर करें तो इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया जबकि आई सेक्शन में न्यूक्सिस के आसपास इतने डिस्टेंस में एरिया काफी कम है और ज्यादा एरिया है वो फार लोकेटेड है इसके कारण आई की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी तो स्टेटमेंट ए सही है स्टेटमेंट बी में बोला है कि लार्ज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो अगर किसी स्ट्रक्चर का आई ज्यादा है तो उसमें जो मोमेंट रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होगी जितना मोमेंट वो रेजिस्ट कर रहा है वो भी ज्यादा होगा अदर सेक्शन से और इसीलिए हम इसको बीम के लिए यूज करते हैं और ग्रेटर होगी लेटर रिजिडिटी जो है बकलिंग के लिए वो भी यहाँ पे ज्यादा होगी तो so आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ट्वेंटी एट इसमें पूछा है कि किसी बीम में जो लॉन्गिट्यूडल कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेज आएंगे उनकी वजह से जो कपल सेटअप होगा मोमेंट का उसको क्या बोलेंगे तो ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट क्यों नहीं हुआ क्या होता है कि ये कोई बीम है आपने इस पर लोड लगाया लोड लगाने के कारण लोड के कारण कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा उस बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम डिफ्लेक्ट होगी बीम डिफ्लेक्ट होगी इधर की साइड कंप्रेसिव फोर्स से जाएंगे इधर की साइड टेंसाइल टेंगे इन फोर्सेज के कारण एक मोमेंट आएगा क्योंकि फोर्सेज कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं तो इसके कारण एक मोमेंट यहां पे आएगा और उस मोमेंट को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हाँ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो सेम ही होगा जितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हमने लगाया है उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस की वजह से डेवलप होगा बट जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है इसने यहाँ पे पूछा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है जो सीर स्ट्रेस होता है किसी पॉइंट पे तो सीर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये यह में भी हमने पढ़ा था एफ यहाँ पे जिस सेक्शन पे पेर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उस सेक्शन पे जो शेर फोर्स है वो है ए वाई बार है वो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं स्ट्रेसेस जिस सेक्शन पे हम स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं उससे ऊपर का जो एरिया है ये वाला जो एरिया है इसका फेस्ट मोमेंट ऑफ एरिया है आई मोमेंट ऑफ इनर्जी है और टी यहाँ पे थिकनेस है क्वेश्चन में इसने ए वाई बार को क्यू से रिप्लेस कर दिया है तो क्यू से रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ क्यू अपॉन आई टी तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा बट एल लिख दिया यहाँ पे ये एक्चुअल में आई होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन वन थर्टी क्वेश्चन वन थर्टी में पूछा है कि जो वेव ऑफ बीम का क्रॉस सेक्शन जो होगा ये क्रॉस सेक्शन है इज डिफाइंड एज तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली ये पूछा है तो वेव का हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम जो डेफ्थ ऑफ बीम है उसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे वेब थिकनेस तो से जो कि ये डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे तो वेब का एरिया आ जाएगा यही यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ बीम मल्टीप्लाई थिकनेस नेक्स्ट क्वेश्चन वन इसमें पूछा है कि जो रोल्ड स्टील बीम होते हैं उसमें सीर फोर्स कौन सा पार्ट कैरी करता है तो यह आई बीम के रिगार्डिंग अगर हम आई सेक्शन का शीर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस के पास में मैक्सिमम है न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस और इससे ऊपर नीचे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और फ्लेंजेस काफी फार लोकेटेड है तो इनके शीर स्ट्रेस काफी कम होगा दूसरा ये और ज्यादा कम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाती है तो ज्यादा शीर स्ट्रेस आ रहा है वो वेब पे आ रहा है तो ज्यादा शेर फोर्स कैरी करेगा वो भी वेब ही करेगा तो हम इस अजमसन के साथ डिजाइन करते हैं कि वेब है वो पूरा का पूरा शेयर फोर्स कैरी कर रहा है और काफी बार मोमेंट के लिए भी पूछा जाता है मोमेंट के केस में जिसका आई ज्यादा है वो ज्यादा मोमेंट कैरी करेगा तो यहां पे वेब का आई काफी कम होगा क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड ही है इसका एरिया फ्लेंजेस का आई काफी ज्यादा होगा क्योंकि फ्लेंजेस है वो काफी दूर लोकेटेड है न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है इनके लिए इसलिए इनकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी और ये ज्यादा मोमेंट रेजिस्ट करते हैं तो हम इस आदम के साथ डिजाइन करते हैं कि जो फ्लेंजेस हैं वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर रही है और जो वेब है वो शेयर को रजिस्टर कर रही है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेब तो आंसर हो गया ऑप्शन ए वेब ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में पूछा है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम और एवरेज सीर का रेशियो क्या होगा मैक्सिमम तो और एवरेज सीर स्ट्रेस का रेशियो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है 1.5 और सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है 4 बाइ थ्री तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन 133 question 133 में पूछा है कि रोल्ड स्टील जो सेक्शंस होते हैं आई बीम और चैनल वगैरह उनके लिए परमिसेबल स्ट्रेस बेंडिंग में जो होगा वो कितना होगा तो ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये होता है पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एफ वाई सिंपल टेंशन में जीरो पॉइंट सिक्स एफ वाई है और बेंडिंग में पॉइंट सिक्स एफ वाई है वैल्यू टू फिफ्टी लेंगे तो ये न्यूटन पर एमएम जाएगा वन सिक्सटी फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा सोलह पचास तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन वन थर्टी फोर में पूछा है कि जो स्ट्रेस होता है वो कितना होता है तो सीर स्ट्रेस के रिगार्डिंग दो परमिबल वैल्यू गिवन है एवरेज सीयर स्ट्रेस है वो जीरो पॉइंट फोर एफ वाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम सीर स्ट्रेस जो आ रहा है वो जीरो पॉइंट फोर फाइव एफ वाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो अभी रिसेंटली जो यूज हो रहा है वो तो यही है और इसमें अगर एवरेज का पूछा है तो हम इससे अगर निकालेंगे तो टू फिफ्टी वैल्यू रखेंगे तो ये हंड्रेड न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा जिसको के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने पे थाउजेंड आएगा बट यहाँ पे आंसर गिवन है वो ऑप्शन बी है मे बी ये पुराने कोड में कुछ और हो, यूज होता उसके लिए गिवन हो बट अभी रिसेंटली जो परमिसेबल वैल्यूज है वो यही है आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो अदरवाइज रिसेंटली जो यूज हो रहा है उसको याद रखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 135 135 में पूछा है कि बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम कैसे डिक्रीज करते हैं तो बीम का डिफ्लेक्शन डिक्रीज करने के लिए हम एल बाई डी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो या तो हम एल को डिक्रीज करें या फिर डी को इंक्रीज करें और वैसे भी पता चल जाता है कि बहुत लंबी भीम है तो ऑब्वियसली ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी अगर हम भीम को थिक रह रहे हैं तो वो डिफ्लेक्ट कम होगी अगर बहुत ही कम डेफ की भीम यूज कर रहे हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है बी गलत है सी भी गलत डिक्रीज किया तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी विड्स का कोई इफेक्ट नहीं आता तो ये भी नहीं होगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट